Welcome to Business Coordinators. Today in the Law of Contracts, we are looking at the second case, which is Carlill versus Carbolic Smokeball Company. तो ये केस है Carlill versus Carbolic Smokeball Company. इसका रेफरेंस है A.I.R. 1983 क्वींस बेंच 256. सब्जेक्ट इज This case establishes a principle that in response to an offer made to the general public through an advertisement, the acceptance by a person who acts according to it is sufficient for a control, and the person so acting needs not necessarily convey his acceptance for such a contract in such a case. सो अगर कोई एडवर्टाइजमेंट दिया जा रहा है जिसमें जनरल पब्लिक को कोई ऑफर दिया जा रहा है कि किसी चीज़ पे 5 रुपए की छूट या किसी चीज़ को करने से कोई फ़ायदा हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, उसको वापस उस कंपनी को एक्सेप्टेंस दे कि हम आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम उसको आपका प्रोडक्ट यूज़ करने वाले हैं. तो देखते हैं इस केस में क्या है. लेट्स लुक एट द फैक्ट्स ऑफ द केस. In this case, the defendant, the Carbolic Smokeball Company, was doing a business of preparing and selling medicine named Carbolic Smokeball. तो एक Carbolic Smokeball Company थी जो कि medicine business में थी और Carbolic Smokeball बना रही थी वो. The company issued an advertisement to the effect that the person suffering from epidemic influenza, cold and cough will be cured by using the aforesaid medicine thrice a day for 2 weeks continuously according to the printed instructions. तो इस कंपनी ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला कि अगर कोई एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा सर्दी खांसी से सफ़र कर रहा है, तो अगर वो इस स्मोक बॉल को यूज़ करेगा 3 बार दिन में और 2 वीक तक कंटिन्यूसली, तो वो ठीक हो जाएगा और उसको प्रिंटेड इंस्ट्रक्शंस जो हैं उसके हिसाब से उस प्रोडक्ट को यूज़ करना है. इट वाज आल्सो मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट दैट इफ आफ्टर यूजिंग द मेडिसिन कंटिन्यूसली अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस फॉर 2 वीक्स अ पर्सन इज नॉट फुल्ली क्योर्ड एंड कंटिन्यूज टू बी सफरिंग फ्रॉम इन्फ्लुएंजा ही विल बी गिवन अ £100 रिवॉर्ड बाय द कंपनी इन ऑर्डर टू शो इट्स सिंसियरिटी द मैट In the matter, the company deposited £1,000 in Alliance Bank for being paid as reward to such persons. तो इस कंपनी ने कहा कि अगर ये कोई व्यक्ति इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद भी अगर ठीक नहीं होता है, तो हम £100 रिवॉर्ड देंगे उस व्यक्ति को, और हम अपनी सिंसियरिटी दिखाते हुए भी £1,000 हम डिपॉजिट कर रहे हैं अलायंस बैंक में ये रिवॉर्ड देने के लिए. सो जो भी ठीक नहीं हुआ उसको इस £1,000 में से दिया जाएगा पैसा. ऑन बेसिस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट Carlill bought the medicine and used it according to the instructions mentioned in the advertisement for more than 2 weeks thrice a day, but she continued to be suffering from influenza and was not cured. तो मिसेस Carlill ने यूज़ किया ये स्मोक बॉल कंपनी जिस जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे एडवर्टाइजमेंट में उसके हिसाब से, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई. तो मिसेस Carlill ने ऑब्वियसली केस फाइल किया होगा. सो Carlill फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट द Carbolic Smokeball Company टू रिकवर द £100 रिवॉर्ड ऑन बेसिस ऑफ द टर्म ऑफ द एडवर्टाइजमेंट. तो मिसेस Carlill ने बोला भाई मुझे £100 दिए जाएँ क्योंकि मैं ठीक नहीं हुई उस स्मोक बॉल यूज़ करने के बाद भी. तो ये कंपनी ने देने से मना कर दिया. तो ये मामला गया ट्रायल कोर्ट में. सो दिस मैटर वेंट टू द ट्रायल कोर्ट बिकॉज द कंपनी रिफ्यूज टू पे मिसेस Carlill सम ऑफ £100. So what happened in the trial court? On institution of the suit by Carlill, the defendant company contested that the suit contending that there was no contract made between the parties, the defendant was not liable to pay the amount to be claimed by the plaintiff. So company ne kaha ki hamare beech koi contract to tha nahi, likhit contract to tha nahi, to hum kyon pay kare inko. The trial court held that the plaintiff was entitled to recover £100 from the defendant company in circumstances of the case and decreed the suit.
तो ट्रायल कोर्ट ने ये बोला कि भाई इनको 100 पाउंड्स मिलना चाहिए इस सिचुएशन में. देन द मैटर वेंट टू एन एपलेट कोर्ट. बींग अग्रीव्ड बाय द जजमेंट द ऑर्डर ऑफ द ट्रायल कोर्ट द कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी फाइल्ड एन अपील बिफोर द क्वींस बेंच अगेंस्ट द जजमेंट एंड डिग्री ऑफ द ट्रायल कोर्ट कंटेंडिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स. तो अब कुछ पॉइंट्स रखते हुए कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने क्या किया कि भाई हम ट्रायल कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, हम क्वींस बेंच में जाएंगे. और उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे कोर्ट के सामने. पॉइंट नंबर वन ये था कि द कंपनी हैड मेड नो कॉन्ट्रैक्ट इन एन एडवर्टिजमेंट एंड कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट इज़ मेयरली अ पफ टू पुश द सेल ऑफ द मेडिसिन. तो ये बोला गया कि भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, सिर्फ एक एडवर्टिजमेंट था जिसको कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जा सकता है. और वो सिर्फ एक सेल्स को पुश करने के लिए एक तरीका था. सेकेंड पॉइंट, देर वर नो क्लियर टर्म्स एंड कंडीशंस इन द एडवर्टिजमेंट्स एंड द टर्म्स एंड कंडीशंस गिवन इन द एडवर्टिजमेंट कुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन ऑफर. सो कोई क्लियर टर्म्स नहीं दिए गए थे एडवर्टिजमेंट में, तो एडवर्टिजमेंट को ऑफर नहीं माना जा सकता, ये कहा कंपनी ने. थर्ड पॉइंट, द एडवर्टिजमेंट वॉज यूज इशूड फॉर जनरल पब्लिक एंड नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल. तो अब भाई जनरल पब्लिक को एक एडवर्टिजमेंट इशू कर दिया था स्मोक बॉल कंपनी ने, तो क्या वो सारी दुनिया के साथ उनका अग्रीमेंट हो गया? तो ऐसा किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के साथ तो किया नहीं था उन्होंने कोई अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द डिफेंडेंट कंपनी वॉज नॉट इन्फॉर्म अबाउट द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर बाई द प्लेंटिफ. अब ये कंपनी कह रही है कि मिसेस कार्लिल ने एक्सेप्ट तो किया नहीं था ऑफर, कि वो हमने जो एडवर्टिजमेंट दिया और उन्होंने लिखित में ऑफर या वर्बली ऑफर को एक्सेप्ट किया, वो ऐसा कोई एक्सेप्टेंस तो था नहीं. फिफ्थ पॉइंट दैट इन फैक्ट नो कॉन्ट्रैक्ट वॉज मेड बिटवीन द पार्टीज. सो दो पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया गया था. फिर सिक्स्थ पॉइंट ये कहा कि नो कंसिडरेशन वॉज रिसीव्ड बाय द प्लेंटिफ. तो अब इसमें डिसीजन क्या आया देखते हैं. लेट्स लुक एट द डिसीजन. द एपलेट कोर्ट हेल्ड दैट द ऑफर ऑफ गिविंग 100 पाउंड एज अ रिवॉर्ड वॉज क्वाइट क्लियर एंड डेफिनेट एंड एन अमाउंट ऑफ 1000 पाउंड वॉज डिपॉजिटेड इन अलायंस बैंक फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ पाउंड 100 एज अ रिवॉर्ड. Under these circumstances, it is clear that the advertisement was not only a puff. It also held that the case of the advertisement, the fact of doing as action by a person according to the terms and condition given therein is treated as acceptance and no special intimation is needed. Regarding consideration, it was held that the sale of medicine of the defendant appellant was increased at this and that the same consideration was enough. The appellate court held that the decision of the trial court upheld the decision of the trial court and dismissed the appeal filed by the defendant. तो इसमें appellate court ने भी ये बोला कि भाई आपने 100 pound का reward declare किया था, 1000 pounds deposit करा Alliance Bank में, तो आपने इंस्ट्रक्शंस भी दिए थे एडवर्टिजमेंट में, तो कोई एक्सेप्टेंस की इसमें ज़रूरत नहीं थी कि और जहाँ तक कंसिडरेशन की बात है तो आपकी जो मेडिसिन की सेल थी वो इंक्रीज़ हो गई थी, तो ऑब्वियसली एक कंसिडरेशन भी था उसमें. तो एपलेट कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट का डिसीजन माना और कहा कि इसमें रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए. तो प्रिंसिपल ऑफ द लॉज लेड डाउन देखते हैं. लेट्स लुक एट द प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉज लेड डाउन. व्हेन द पर्सन गिविंग ऑफर इन्फॉर्म्स एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली दैट द एक्शन अकॉर्डिंग टू हिज डायरेक्शन इज इनफ टू शो हिज एक्सेप्टेंस, देयर इज नो नीड टू सेपरेट इंफॉर्मेशन बीइंग गिवन टू सच पर्सन. द एक्शन अकॉर्डिंग टू हिज डायरेक्शन इज इनफ एज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर. तो अगर आप ऑफ़र दे रहे हैं किसी व्यक्ति को और वो कोई व्यक्ति उसके हिसाब से काम कर रहा है और उसको अगर वो रिज़ल्ट ना मिले तो वो ऑब्वियसली जो रिवॉर्ड है उसको क्लेम कर सकता है. तो
ultimately Mrs. Carlill को जो reward था वो मिला और unfortunately उनकी death हो गई, I think at the age of 94. Thank you.